हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। कल हम लोगों ने जो वीडियो देखा था उसमें प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट देख लिए थे। आपको बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आज इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं जिसमें पास्ट टेंस के बारे में इसके यूजेज और एग्जाम्पल वो सब देखने वाले हैं, और आसानी से आप लोग ये समझने वाले हैं कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसका किस तरह से आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। ऐसे टिप्स मैं आपको आराम से बताने वाला हूँ। दोस्तों, पहला जो हमारा होने वाला है वो है पास्ट सिंपल या इंडेफिनेट टेंस। उसका स्ट्रक्चर जो है उसमें सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। जितने भी 12 टेंस हैं उनमें से केवल एकमात्र ये टेंस ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इसका एग्जाम्पल देखिए, हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, आई वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे, मैंने यस्टरडे मैंने कल एक मूवी देखी। अब देखिए इसका यूज ये है कि दोस्तों पास्ट में जो भी कोई काम होता है और उसके साथ में किसी प्रकार का समय दिया होता है, टाइम क्लोज दिया होता है, तो हमें सिंपल पास्ट का यूज करना होता है। इसके एडवर्ब्स हैं जो कि ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे काम में आएंगे जब हमारे सामने ये दिए हुए हो, तो हमें 99% केवल सिंपल पास्ट का यूज करना है। ये कौन से वर्ड है, यस्टरडे हो गया, लास्ट प्रीवियस के साथ में मॉर्निंग इवनिंग डे नाइट वीक मंथ ईयर अगो द अदर डे इन पास्ट टाइम 1947, या पुराना कोई भी महीना वगैरह दिया हुआ हो, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अगला इसका यूज है जब भी आता है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चून टाइम, ये सब वर्ड्स आते हैं। तो इनके साथ में दोस्तों हमेशा साथ में इनके आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी अगर सब्जेक्ट आता है तो। इट इज टाइम यू रीच्ड इन योर स्कूल, लगता ऐसा है कि यहाँ पे आना चाहिए रीच, इसका मतलब ये सही टाइम है कि आपको स्कूल में पहुँच जाना चाहिए था। इट इज़ अबाउट टाइम यू प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम, ये सही समय है कि आपको अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो ये जब वर्ड्स आते हैं उनके साथ में हमेशा हम लोग पास्ट लगाएंगे, प्रेजेंट नहीं लगाएंगे। अगला इसका एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि पास्ट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव में जैसे आपको बताया गया, साधारण जो सकारात्मक वाक्य है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन जब भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव बढ़ाएंगे दोस्तों तो डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये केवल एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म भी आती है और फर्स्ट फॉर्म भी, पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल है, सी रोट ए बुक, उसने एक बुक लिखी। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो सी डिड नॉट राइट ए बुक, डिड के साथ में राइट फर्स्ट फॉर्म आ गई। इसी प्रकार से इंट्रोवर्टिव बनाएंगे तो डिड शी राइट ए बुक, डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो इसका मतलब पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म, नेगेटिव और इंट्रोवर्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। दोस्तों पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ते हैं जिसमें सब्जेक्ट के साथ में वॉज वर हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आती है। पास्ट कंटिन्यूस का यूज क्या है, पास्ट में जब भी कोई काम कंटिन्यू चला था तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल है, दे वर प्लेइंग क्रिकेट देन। अब यहाँ पे कुछ एडवर्ब दिए गए हैं, देन, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डिज, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वाले थे एडवर्ब, उन्हीं को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आसानी से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ का देन हो गया, एट दिस टाइम का एट दैट टाइम हो गया, एट दिस मोमेंट एट दैट मोमेंट हो गया, दिस डेज का दोज डेज हो गया। मतलब ये वर्ड जब आते हैं तो 99% संभावना है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा ही होगा। अब दोस्तों इसका एक और यूज है, दो एक्शन पास्ट टाइम में एक साथ में चलते हैं, जैसे कि आई वॉज रीडिंग ए बुक वाइल माई सिस्टर वॉज ईटिंग फूड, मैं बुक पढ़ रहा था लेकिन मेरी सिस्टर जो है वो खाना खा रही थी। दोनों काम ऐसे हैं लंबे समय के लिए चलने वाले, एक साथ में चल रहे हैं, दोनों में पास्ट कंटिन्यूस है। अगला, व्हाइल शी वाज डांसिंग आई वाज सिंगिंग, वह डांस कर रही थी और मैं गाना गा रहा था। तो इसका मतलब ये दोनों काम भी साथ में चल रहे हैं। यू वर राइटिंग व्हेन आई वाज डिक्टेटिंग, तुम लिख रहे थे जब मैं डिक्टेट कर रहा था। इसका मतलब ये सारे काम साथ में हो रहे हैं, मतलब पास्ट में दो काम एक साथ में हो रहे हैं, व्हाइल व्हेन कनेक्टिव उनके साथ में आएंगे तो हमें दोनों में पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। अब देखो तीसरा इसका यूज है, लॉन्ग और शॉर्ट एक्शन दो एक साथ में हो, जब लॉन्ग वाला एक्शन है उसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा लेकिन शॉर्ट वाला एक्शन है उसमें दोस्तों हम पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार से, व्हेन माय फादर केम आई वाज वाचिंग टीवी, जब मेरे फादर आए तब मैं क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था। अब टीवी देखने वाला काम है वो लंबे समय के लिए चलने वाला है तो उसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस आया। फादर घर में एंटर हुए, ये काम कम समय वाला है तो उसमें पास्ट सिंपल आ गया। एक एग्जांपल और देखते हैं,
ही वॉज ईटिंग फूड वेन आई नोक्ड एट द डोर, वह खाना खा रहा था जब मैंने दरवाजे पे नोक किया। नोक करने वाला काम फटाफट खत्म हो जाता है, लेकिन खाना खाने वाला काम लंबे समय के लिए चलता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे एक तरफ पास्ट कंटिन्यूस आया, दूसरी तरफ पास्ट सिंपल आ गया। तो हमने पास्ट के तीन यूज हमने देख लिए हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस देखते हैं, इसमें सब्जेक्ट के साथ में हेड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। दोस्तों जैसे प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट की जगह हम लोग पास्ट परफेक्ट नहीं काम में ले सकते। पास्ट परफेक्ट जब भी यूज करेंगे तो आपको ये बता दूं, कोई ना कोई कनेक्टिव आफ्टर बिफोर व्हेन ये 99% आपके सामने आएंगे ही आएंगे, और जब ये आएंगे तब हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। एग्जांपल देखते हैं, द डॉक्टर हैड कम बिफोर द पेशेंट रीच्ड इन द हॉस्पिटल। इसका मतलब पेशेंट के हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले डॉक्टर आ चुका था। दोस्तों बिफोर के पहले वो काम आएगा जो पहले हो चुका है, हैड कम डॉक्टर पहले आया और पेशेंट बाद में पहुंचा, तो ठीक है। उसी प्रकार से अगला सेंटेंस है, आई रीच द एग्जाम हॉल आफ्टर द एग्जाम हैड बिगन। एग्जाम शुरू होने के बाद में वह एग्जाम हॉल में पहुंचा। आफ्टर के बाद में वो काम आएगा जो पहले शुरू हुआ, और यहाँ पे आफ्टर के पहले यहाँ पे कौन सा काम आया जो बाद में हुआ है। उसी प्रकार से व्हेन आई रीच्ड होम माय वाइफ हैड कुक्ड फूड, जब मैं घर पहुंचा तो मेरी वाइफ खाना बना चुकी थी। जो काम पहले आएगा उसमें पास्ट परफेक्ट आएगा, और जो काम बाद में आएगा उसमें पास्ट सिंपल का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं, इसमें सब्जेक्ट के साथ में हेड आएगा और बीन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। सिंस फोर आपको बता ही चुका हूँ, फोर टाइम ड्यूरेशन के लिए आता है, और सिंस हमारा आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। दोस्तों एग्जाम्पल हो गया इसका, सी हैड बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग व्हेन आई मेट हर। अब इसमें क्या होता है, ये है तो बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह, लेकिन एक तरफ इसमें पास्ट क्लोज दिया हुआ आएगा, व्हेन आई मेट हर, ये पास्ट का दिया हुआ है, मीट की सेकंड फॉर्म मेट है, पास्ट का पार्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह पास्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे। दे हैड बीन पेंटिंग द वॉल फॉर 2 आवर्स व्हेन आई रीच्ड होम, वो 2 घंटे से उस वॉल को पेंट कर रहे थे जब मैं घर पहुंचा, तो यहाँ पे पास्ट का क्लोज दिया हुआ, तो क्या आ गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सिंस 4 प्लस टाइम केवल आए तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना, लेकिन सिंस 4 टाइम के साथ में अगर पास क्लोज आएगा तो हमें दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको पसंद आया होगा, समझ में बातें आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों मैंने देखा है इंग्लिश ग्रामर में बच्चों को अक्सर समस्या होती है, इसलिए मैं एग्जाम्पल के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से PPT बना के आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे ताकि इसी प्रकार के अच्छे वीडियो में आपके लिए लेके आ सकूं। थैंक यू सो मच।